नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ मेघा कौशिक। दोस्तों, हम रोज लेकर आते हैं आपके लिए कुछ नया, बताते हैं आपकी परेशानियों का हल, क्या नया होने वाला है आपके दिन में, आपका दिन अच्छा होगा, क्या लाभ दिलाएगा, साथ ही बताएंगे आपकी परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, आज सावन का दूसरा सोमवार है और आज जब आप मंदिर जाएं तो आपकी राशि अनुसार भगवान शिव की पूजा करें। जानेंगे कैसे पूजा करें, साथ ही पावर मंत्र भी, और इसे बताने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि, जय महादेव। तो दर्शकों, अगर आपकी कोई समस्या है और जानना चाहते हैं समाधान तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। तो शो की शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं आपका राशिफल। उल्लेखित कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, भोलेनाथ का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण। दोस्तों, आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज आपके सितारों की चाल, क्या कहती है आज के दिन किस्मत आपकी। आज सावन का दूसरा सोमवार है, अपनी राशि के अनुसार किस तरीके से महादेव को आप प्रसन्न कर सकते हैं, अपनी राशि के अनुसार ऐसा क्या करें जिससे महादेव प्रसन्न होकर हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, हमारे सपनों को पूर्ण करें। साथ ही साथ आज जानेंगे आजीविका, नौकरी या आपके बिजनेस से जुड़ी सभी समस्याओं का अंत करने वाला एक महामंत्र। तो शुरुआत करते हैं आज के विशेष राशिफल के साथ में। कागज कलम पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में राशि के अनुसार आज सावन के दूसरे सोमवार को भोलेनाथ को आपको कैसे प्रसन्न करना है। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज बिलपत्र पर सफेद चंदन से श्री राम लिखिएगा और फिर उसको शिवलिंग पर अर्पण कर दीजिएगा। 1, 5, 11, 51, 108 जितने बिलपत्र पर आप लिख सकें, शिवलिंग का आज अनार के रस के साथ में अभिषेक कीजिएगा, लाल और सफेद आंकने के पुष्प चढ़ाइएगा। नौकरी व्यापार में जितनी भी समस्याएं आ रही हैं, निश्चित तौर पर आज इस प्रकार शिव आराधना उन सभी समस्याओं का अंत करेगी। बात करते हैं वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज सुख शांति के लिए तुलसी मंजरी और बिलपत्र के साथ शिवलिंग के ऊपर दूध और चीनी मिश्रित जल अर्पण कीजिएगा, अभिषेक कीजिएगा। चमेली के, मोगरे के पुष्प अर्पण कीजिएगा, मन चाहा सुयोग्य सुलक्षणों से युक्त जीवन साथी प्राप्त होगा। बात करते हैं मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज शहद मिश्रित जल से शिवलिंग का अभिषेक कीजिएगा, भोलेनाथ को प्रसन्न कीजिएगा। हरे रंग के वस्त्र, हरे फल शिव मंदिर में दान कीजिएगा। अलसी के पुष्पों से शिव का पूजन करने से आज आपके सभी सपने, आपके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। जी बिल्कुल, तो अलसी के फूलों का दान कीजिएगा, आपकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होंगी। आगे भी आपकी राशिफल जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर ले लेते हैं। मीनाक्षी जी ब्यावर से जुड़ गई हैं पंडित जी, और बेटे तरुण के लिए ये जानना चाहती हैं, 24 मई 1994 डेट ऑफ बर्थ बताती हैं और 7:45 का सुबह का समय। मीनाक्षी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या पूछना चाहती हैं? जय श्री कृष्णा पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा, मैं मेरे बेटे के करियर के बारे में जानना चाहती हूँ, उसका आगे कैसे रहेगा। अभी क्या कर रहा है ये? ये तीसरी मिनट में हरिद्वार में है पंडित जी। अच्छा, और हम ब्यावर इसका ट्रांसफर के लिए कोशिश कर रहे हैं। देखिए बेटा, बच्चे को शनि की 19 साल की महादशा चल रही है, वैसे इसकी जन्म कुंडली बहुत अच्छी है, क्योंकि बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन है। बुध स्वग्रही होकर बैठा है, बुध और शुक्र जब स्वग्रही होकर बैठता है तो निश्चित तौर पे ऐसे लोग जीवन के अंदर उच्च सफलताओं को हासिल करते हैं। मंगल स्वग्रही होकर इसके लाभ के स्थान पर बैठा है,
लाभ मतलब प्रॉफिट, एक बहुत बड़ा व्यापारी भी बन सकता है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी बन सकता है। उसके साथ साथ में इसके जन्म कुंडली में पंचम भाव में चंद्र गुरु का गज केसरी योग बना हुआ है। गज केसरी योग ऐसा योग होता है जो जीवन में नेम एंड फेम बनाता है, मिनिस्टर बनते हैं ऐसे लोग, अफसर बनते हैं ऐसे लोग। शनि स्वग्रही होकर इसकी जन्म कुंडली के अंदर भाग्य स्थान में बैठा है। कुल मिला के कहूँ तो इस बच्चे के ग्रह बहुत अच्छे हैं, इसका भविष्य बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन इसका भविष्य सन 2022 के पश्चात में इसका भविष्य जो है वो चार चौगने रूप से वृद्धि करने लगेगा। आप इस बच्चे को बोलिए कि इसकी कुंडली में वैसे कोई दोष नहीं है, सिर्फ रविवार को भैरव मंदिर में जाए, वहां पर दाल की कचौरी दही मर्ती का भोग लगाए। जी मीनाक्षी जी, पर चिंता मत कीजिए, तरुण की जन्म कुंडली जो है बहुत अच्छी है, भविष्य बहुत अच्छा है। आगे यशवंत जी का कॉल ले लेते हैं। पंडित जी अलवर से ये कॉल कर रहे हैं, बेटे ऋषभ के लिए जानना चाहते हैं। 13/4/1998 डेट ऑफ बर्थ बताते हैं और 11:15 रात का समय बताते हैं। यशवंत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। जी यशवंत जी पूछिए, आपके टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए यशवंत जी, फिर अपना सवाल कीजिए। पूछिए सर। हाँ जय श्री कृष्णा, पूछिए। किस लाइन में डाले इनका जो है ना तो। देखिए यशवंत जी, एक तो जल्दी आप थोड़ा कार्यक्रम की रूपरेखा को समझ के इतना अगर समय लेंगे प्रश्न में तो दिक्कत होती है। आपके बच्चे की जन्म कुंडली जो है उसमें शनि की महादशा इसको शुरू हो चुकी है। इसकी कुंडली के अंदर एक जो सबसे बड़ी समस्या है वो समस्या ये है कि एक तो इसकी बुध नीच का है जन्म कुंडली के अंदर, मंगल स्वग्रही है, एजुकेशन हाउस में मंगल स्वग्रही होकर बैठ सकता है, सरकारी नौकरी के अंदर इसको सक्सेस मिलने की संभावना कम है। ये टेक्निकल लाइन में आप इसको डाल सकते हैं, यदि इसका इंटरेस्ट हो इंजीनियर वगैरह इस तरह की लाइन के अंदर इसको डाल सकते हैं, उसके अलावा अकाउंट सेक्टर के अंदर भी डाल सकते हैं, और उसके अलावा लॉ सेक्टर में भी बच्चा आगे भविष्य में तरक्की कर सकता है। 19 साल की शनि की महादशा इसकी शुरू हो चुकी है। इसकी कुंडली में मंगल भी अस्त है, बुध भी अस्त है और शनि भी अस्त है, तीन जो शुभ ग्रह हैं वो इसकी जन्म कुंडली में अस्त होकर बैठे हैं। वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला के अंदर नियमित रूप से हर साल इसके जन्मदिन के ऊपर करना है। साथ में इस बच्चे के नाम से 11 रविवार भैरव मंदिर में जाना है, वहाँ दाल की कचौरी दही और इमरती चढ़ाना, उसके साथ में चौमुखा सरसों के तेल का दीपक जलाना है, ये उपाय कीजिएगा उससे फायदा। जी सर्वेश्वर जी का कॉल भी ले लेते हैं पंडित जी, ये पर्वत सर से कॉल कर रहे हैं, बेटे के लिए जानना चाहते हैं। 6/6/1990 डेट ऑफ बर्थ बताते हैं और 6:15 का सुबह का समय बताते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर्वेश्वर जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं बेटे के लिए। हेलो जी। हाँ साहब, मेरे बच्चे की कहीं सर्विस लगने की संभावना है क्या? अभी कहाँ प्राइवेट जॉब कर रहा है, क्या कर रहा है? हाँ प्राइवेट जॉब कर रहा है जयपुर में। जी देखिए ऐसा है सर्वेश्वर जी, इस बच्चे की जन्म कुंडली में शनि की उतरती हुई महादशा, 19 साल की शनि की महादशा इसको उतर रही है। सितंबर 2019 में शनि की महादशा उतरेगी। अब आपका एक प्रश्न, क्या इसके सरकारी नौकरी के योग बनते हैं? निश्चित तौर पर इस बच्चे के सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। आने वाला जो समय है, क्योंकि अब अगले वर्ष के पश्चात में इसको बुध की महादशा शुरू हो जाएगी, इसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय, लेकिन चूंकि चंद्र ग्रहण बनाते हुए सर्पदोष है, एक बार आप योग्य आचार्य के निर्देशन में या तो उज्जैन या नासिक जाकर इसके सर्पदोष की पूजा करवा दीजिए। एक लोहे का छल्ला भाग्य स्थान में, चूँकि वहाँ का मालिक है, मध्यमा उंगली में इस बच्चे को धारण करवा दीजिए और कालसर्प दोष की पूजा करवा दीजिए। निश्चित तौर पे बच्चा अगले वर्ष जो भी कंपटीशन का रिजल्ट आएगा वो उसके फेवर में। जी सर्वेश्वर जी, कुंडली बहुत अच्छी है, आप परेशान ना हो, बच्चे का भविष्य बहुत अच्छा है। आगे बढ़ते हैं, भावना जी का कॉल ले लेते हैं। पंडित जी अलवर से ये कॉल कर रही हैं, 8/8/1995 डेट ऑफ बर्थ बताती हैं और 6:36 का शाम का समय बताती हैं। भावना जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए क्या पूछना चाहती हैं। मैम ये पूछना चाहती हूँ मैं कि कंपटीशन की तैयारी कर रही हूँ तो जॉब कब तक लगेगी, कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रही हूँ। देखिए बेटा ऐसा है भावना, जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, चंद्रमा की महादशा आपको चल रही है, उसके अंदर में भी अभी आपको शुक्र का अंतर चल रहा है। जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर बैठा है राहु,
ये मान के चलिए कि यू हैव टू पुट मोर एफर्ट्स इफ यू वांट सक्सेस इन द कंपटीशन। आपको प्रयास ज़्यादा करने की ज़रूरत है क्योंकि आपके जन्म कुंडली में नौकरी के घर में राहु बैठा है। वो राहु जो है वो कहीं ना कहीं अगर आप 200% मेहनत करोगे तब जाके वो 100% रिजल्ट देगा। सरकारी नौकरी यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो मेहनत कीजिए। अभी कम से कम 1.5 साल का समय है आपकी कुंडली के हिसाब से सरकारी नौकरी लगने में। अब करना क्या है आपको वो मैं आपको बता देता हूँ। चूँकि आपका भाग्येश बुध अस्त है, इफ़ यू वांट बेटर जॉब एक पन्ना रत्न धारण कर लीजिए सीधे हाथ में, सबसे छोटी उंगली में 5.25 रत्ती का, हरे कपड़े खूब पहनिए, हरी सब्जी खूब खाइए, गौ सेवा करिए। जी भावना जी, जैसा कि पंडित जी ने बताया मेहनत कीजिए आपको सफलता मिल जाएगी, तो मेहनत जारी रखिए। आगे बढ़ते हैं, बिंदु जी का कॉल ले लेते हैं। पंडित जी बीकानेर से कॉल करती हैं, बेटे के लिए पूछना चाहती हैं। 9/10/1992 डेट ऑफ बर्थ बताती हैं और 2:30 यानी 2:30 बजे का दोपहर का समय ये बताती हैं। बिंदु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या समस्या है आपकी? वो एक राशि बताओ। देखिए इसकी जो आपके जन्म तारीख के हिसाब से इसकी राशि जो बनती है वो कुंभ राशि बनती है। इसीलिए आजकल हम ये कहते हैं कि बोलता नाम और जन्म पत्री का नाम दोनों एक ही होना चाहिए, नहीं तो दो दो राशियों के प्रभाव भुगतने पड़ते हैं। इस बच्चे की जो राशि है वो है कुंभ राशि। शनि की मादशा इस बच्चे को चल रही है, उसके अंदर में भी राहु का अंतर जो है वो 2018 में ख़त्म हो चुका है, शनि की मादशा और गुरु का अंतर शुरू हो चुका है। कुंडली बहुत अच्छी है इस बच्चे की। यदि ये किसी सरकारी कंपटीशन के लिए तैयारी करता है, नौकरी के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, नौकरी के हिसाब से, व्यापार के हिसाब से इसका सबसे सर्वश्रेष्ठ समय शुरू हो चुका है 2020। अगले 2 साल जो हैं वो इसके लाइफ के टर्निंग ईयर साबित हो सकते हैं। इसके करियर में, इसके विवाह के क्षेत्र में हर तरीके से शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। लेकिन जहाँ तक इसके विवाह का सवाल है, विवाह के घर का स्वामी चंद्रमा जो विष योग बना रहा है, तो योग्य आचार्य के निर्देशन में कुंडली मिलान करने के पश्चात ही इस बच्चे का विवाह कीजिएगा। जी आगे बढ़ते हैं पंडित जी, महेंद्र जी का कॉल ले लेते हैं, जयपुर से कॉल करते हैं और 23/8/1981 डेट ऑफ बर्थ बताते हैं, 7:30 बजे का सुबह का समय बताते हैं। महेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या समस्या है आपकी? देखिए महेंद्र जी, जहाँ तक आपकी जन्म कुंडली का सवाल है, गुरु की मादशा और उसके अंदर भी शनि का अंतर चल रहा है। आपकी जन्म कुंडली में आपके नौकरी व्यापार के घर का जो स्वामी है शुक्र, वो नीच का होके बैठा है। यदि कोई ग्रह नीच का होता है तो वो कभी भी शुभ परिणाम नहीं देता है। आपकी कुंडली ये कहती है कि आप कभी नौकरी नहीं कर सकते, स्थिर होकर नौकरी नहीं कर सकते। यदि आप अपना स्वयं का काम करें तो आपको सफलता ज़्यादा मिल सकती है। शुक्र जो नीच का है उसको जब तक आप ठीक नहीं करेंगे तब तक आपके नौकरी के अंदर स्थिरता नहीं आएगी। आप शुक्र को कैसे ठीक करें? एक पन्ना रत्न सीधे हाथ में 5.25 रत्ती का सोने में धारण करें। डायमंड आपको भूल के भी नहीं पहनना है। हर शुक्रवार को माता जी के मंदिर में दर्शन करें, देवी माँ के मंदिर में दर्शन करें, कमल का पुष्प अर्पण करें। उसके साथ साथ में 10 वर्ष से कम की कन्याओं को कुछ ना कुछ आपको गिफ्ट देना है। कम से कम 27 शुक्रवार का नियम बांधिए, निश्चित तौर पर आपकी नौकरी में आपको स्थिरता देखने को मिलेगी। जी तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है और समाधान जानना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि की, कि आपके लिए आज का राशिफल क्या कहता है। कर्क राशि की बात करते हैं, आज सावन के दूसरे सोमवार को कपूर मिश्रित जल, दूध, दही, गंगाजल, मिश्री, इन सब से भोलेनाथ का आज आप अभिषेक कीजिएगा। दुर्वा बिलपत्र अर्पण कीजिएगा, शमी पत्रों से पूजन कीजिएगा। यदि आप कर्ज से डूबे हुए हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस में चल रहे हैं, तो आज इस प्रकार शिव आराधना आपको कर्ज से मुक्ति दिलाएगी। बात करते हैं सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, सावन के दूसरे सोमवार को आज शिवलिंग का आपको मिश्री से और जल से अभिषेक करना है। बिलपत्र के साथ साथ लाल पुष्प शिवलिंग के ऊपर अर्पण कीजिएगा, आग की माला अर्पण कीजिएगा, बेला के पुष्पों से पूजन कीजिएगा। निश्चित तौर पर हमारे वो दर्शक
जो सुयोग्य सुलक्षणों से युक्त पति चाहते हैं, पत्नी चाहते हैं, उनकी मनोकामना भोलेनाथ पूर्ण कर सकते हैं। बात करते हैं कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज दूध से, शहद से शिवलिंग का अभिषेक कीजिएगा, पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक कीजिएगा, बिलपत्र चढ़ाइएगा, धतूरा अर्पण कीजिएगा। हमारे वो दर्शक जो गंभीर रोगों से पीड़ित हैं, लाइलाज बीमारी से पीड़ित हैं, यदि आज वो इस प्रकार भोलेनाथ की आराधना करते हैं सावन के दूसरे सोमवार पे, निश्चित तौर पर बड़े सी बड़ी गंभीर बीमारी, लाइलाज बीमारी से मुक्ति मिल सकती है। जी बिल्कुल, आपके राशि अनुसार आपको भगवान शिव की कैसे आराधना करनी है ये पंडित जी हमें बता रहे हैं। आगे की राशियों की भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दर्शकों, ब्रेक से पहले हमने बात की थी छह राशियों की, कैसे आज आपको अपने दिन को अच्छा बनाने के लिए भगवान शिव की आराधना करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तुला वृश्चिक और धनु आपके लिए भी जान लेते हैं। बात करते हैं तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज सोमवार का दिन है, सावन का महीना है, दूसरा सोमवार है। आज भोलेनाथ को दही से, गन्ने के रस से उनका अभिषेक कीजिएगा, तुलसी पत्र के साथ में हर श्रृंगार की माला भी अर्पण कीजिएगा, जूही के पुष्पों से शिव का श्रृंगार कीजिएगा। घर में कभी भी अन्न की, धन की, सुख की कमी नहीं रहेगी। बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको गंगा जल से भोलेनाथ का अभिषेक करना, बड़े प्रसन्न होते हैं यदि आप गंगा जल से अभिषेक करते हैं। दूध बिलपत्र शिवलिंग के ऊपर अर्पण कीजिएगा, लाल चंदन का भोलेनाथ को तिलक कीजिएगा, कनेर के पुष्पों से आज श्रृंगार कीजिएगा शिव का। निश्चित तौर पर जितने भी हमारे वो दर्शक जो बेरोजगार हैं, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, कंपटीशन दे रहे हैं, आज इस प्रकार भोलेनाथ की पूजा करने से उन्हें नौकरी प्राप्त हो सकती है। बात करते हैं धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कच्चे दूध में केसर, मिश्री, हल्दी पाउडर ये मिलाकर शिवलिंग को स्नान कराइएगा, उसका अभिषेक कीजिएगा। हल्दी से, केसर से भोलेनाथ को तिलक लगाइएगा, केला, आम, पपीता इन सब का आज आप दान कीजिएगा। हर श्रृंगार के पुष्पों से आज भोलेनाथ का श्रृंगार कीजिएगा। निश्चित तौर पर आपकी लाइफ में, आपके कैरियर में, आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि होती हुई दिखाई देगी। जी, तो कौन से पुष्पों को आपको चढ़ाना है भगवान शिव को, इसके अलावा क्या दान करना है, आपकी राशि अनुसार हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, मकर, कुंभ और मीन आपके लिए जान लेते हैं। बात करते हैं मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज घी, शहद, दही, बादाम के तेल से शिवलिंग का अभिषेक कीजिएगा, नारियल के जल से स्नान करवाइएगा, अभिषेक कराइएगा, नील कमल आज जरूर भोलेनाथ को अर्पण कीजिएगा, धतूरे के पुष्पों से पूजन करने पर, श्रृंगार करने पर भोलेनाथ हमारे उन जातकों को, उन दशकों को सुयोग्य पुत्र प्रदान करते हैं जो कुल का नाम रोशन करता है। वंश वृद्धि करना चाहते हो तो आज भोलेनाथ को इस प्रकार प्रसन्न कीजिएगा। बात करते हैं कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कच्चे दूध में हल्दी पाउडर मिलाकर भोलेनाथ का अभिषेक कीजिएगा, तुलसी मंजरी के साथ बिलपत्र, पीले पुष्प, कनेर के पुष्प शिवलिंग के ऊपर अर्पण कीजिएगा, केसर का तिलक कीजिएगा, आज भोलेनाथ को अक्षत चावल चढ़ाइएगा। निश्चित तौर पर बड़े धन की प्राप्ति होती है, फाइनेंशियल क्राइसिस खत्म होते हैं। अंतिम जो राशि वह है मीन राशि, आज सुगंधित तेल से भोलेनाथ का अभिषेक कीजिएगा, दुर्वा बिलपत्र भोलेनाथ पर अर्पण कीजिएगा, दुर्वा से पूजन करने पर आयु बढ़ती है, शिव भगवान को आज गेहूं चढ़ाने से संतान सुख में वृद्धि होती है। जी चलिए आगे बढ़ते हैं दर्शकों, और आज का पावर मंत्र क्या कुछ कहता है वो जान लेते हैं। दोस्तों, क्या आप
आज सावन के दूसरे सोमवार को अपनी किस्मत को बदलना चाहते हैं, अपनी किस्मत को चमकाना चाहते हैं, क्या आप अपने बैडलक को बैडलक से मुक्ति चाहते हैं, अपनी बेरोजगारी से मुक्ति चाहते हैं, अपने विवाह में आ रही अड़चनों से मुक्ति चाहते हैं? यदि हां तो मित्रों, आज सावन के दूसरे सोमवार को शिव पूजा आपकी कई मुरादों को पूरी कर सकती है। तो आज सावन के दूसरे सोमवार विशेष शिव मंत्र के साथ भगवान शिव की पूजा न केवल आपका भाग्योदय बल्कि आपको मन चाहे जीवन साथी रोजगार पाने की कामना को जल्द पूरा कर सकती है। आपको करना क्या है? आपको करना यह है कि आज प्रातःकाल स्नान के पश्चात किसी भी शिवालय में जाकर शिवलिंग का अभिषेक करना है। अभिषेक करते समय शिव मंत्र का स्मरण करते रहना है। आज दिन भर इस मंत्र का जाप करना है। मैं आपको बता देता हूं, बहुत सीधा सरल सूक्ष्म मंत्र है। ओम महाशिवाय सोमाय नमः। ओम महाशिवाय सोमाय नमः। ओम महाशिवाय सोमाय नमः। बड़ा सिंपल सा मंत्र है, ओम महाशिवाय सोमाय नमः। इस मंत्र का आज दिन भर जितना जाप करते जाए करिएगा। अभिषेक के पश्चात भगवान शिव को गाय के दूध की धारा, शहद की धारा भी अर्पण कीजिएगा। इसके बाद पुनः जल से स्नान कराकर भोलेनाथ को लाल चंदन अर्पण कीजिएगा और विभिन्न प्रकार के फूलों के द्वारा उनका श्रृंगार कीजिएगा। यथाशक्ति गंध, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य अर्पण करके भोलेनाथ की शिव आरती कीजिएगा। साथ ही भोलेनाथ को चढ़ाए दूध शहद का चरणामृत लेना मत भूलिएगा और चंदन लगाकर अपने मस्तक पर आज आपकी जो भी मनोकामना है उस मनोकामना को पूर्ण करने की प्रार्थना कीजिएगा। इस प्रकार आज सावन के दूसरे सोमवार के दिन की गई भगवान शिव की आराधना आजीविका, नौकरी, व्यवसाय, शादी, विवाह, पर्सनल रिलेशंस, घर की सुख शांति से जुड़ी सभी समस्याओं का अंत कर सकती है और आपके जीवन में सुख, आनंद, इन सब का प्रवेश करवा सकती है। जी तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं हमारा ये कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए, दर्शकों की समस्याएं सुलझाने के लिए और इतना अच्छा राशिफल बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय महादेव। तो अगर आपकी भी कोई समस्या है और जानना चाहते हैं समाधान, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।